हे गाइस, वेलकम बैक एट यू एंड आई ऑटोमोबाइल्स। मैं हूं आप सभी का होस्ट आलोक सिंह। गाइस, हाल ही में मारुति इंडिया के मानेसर प्लांट के पास एक गाड़ी दिखी गई है, जो कि है आपकी मिड साइज एसयूवी। अगर ये गाड़ी भारत में लॉन्च होती है तो ये गाड़ी कॉम्पीट करेगी आपके हुंडई क्रेटा के नए मॉडल से एंड आपके किया सेल्टोस के मॉडल के साथ में। अभी देखने वाली बात यह है कि मारुति वाले इस गाड़ी को भारतीय मार्केट में कब लॉन्च करते हैं। आपको ये बताना इसलिए ज़रूरी हो गया बिकॉज अभी जो इनकी अपकमिंग गाड़ी है मारुति विटारा ब्रिजा का फेस लिफ्टेड मॉडल, उस गाड़ी के नाम में से इन लोगों ने विटारा वर्ड को हटा दिया है। गोइंग फॉरवर्ड आपको जो 2022 का मारुति विटारा ब्रिजा का फेस लिफ्टेड मॉडल मिलेगा, उस गाड़ी का नाम मारुति ने रखा हुआ है मारुति ब्रिजा विटारा के नाम से, बिकॉज ये लोग एक नई गाड़ी लॉन्च करने वाले हैं। अब जबकि ये गाड़ी के इमेजेस स्पाई हो गए, साइज वाइज ये गाड़ी आपके क्रेटा एंड आपके सेल्टोस के बराबर की है, तो इतना कन्फर्म्ड है कि ये गाड़ी जब भारतीय मार्केट में लॉन्च हो जाएगी तो इस गाड़ी का नाम ये लोग मारुति विटारा रखने वाले हैं। अभी ये कन्फर्म बिल्कुल नहीं हो पाया कि ये गाड़ी भारतीय मार्केट में कब तक लॉन्च हो जाएगी, लाइक फर्स्ट हाफ में या सेकेंड हाफ में। एक बार अपडेट होगा पक्का आपको कन्फर्म करूंगा, बट ये जो इमेजेस आप बैकग्राउंड में देखते जा रहे हो ये 100% श्योर शॉट भारत के इमेजेस हैं एंड ये गाड़ी साइज वाइज आपके सेल्टोस एंड आपके क्रेटा के साइज की है। एक बात और ध्यान रखिएगा, गोइंग फॉरवर्ड आने वाले फ्यूचर के अंदर आप कह सकते हो इसी साल से अभी जो भी गाड़ियां मारुति वाले लॉन्च करेंगे उसमें आपको सीएनजी का ऑप्शन देने वाले हैं। तो जो आपकी ब्रिजा थी, ब्रिजा का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च होते ही आपको साथ में उसके सीएनजी का ऑप्शन मिलेगा, वैसे ही जब ये लोग आपके क्रेटा एंड सेल्टोस के कॉम्पिटिशन के अंदर इस मारुति विटारा मॉडल को भारतीय मार्केट में लाएंगे तो इसके अंदर भी आपको सीएनजी का ऑप्शन मिल जाने वाला है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी चीज़ है हम जैसे बायर्स के लिए जिनको डेली ऑफिस जाना पड़ता है या डेली इनकी ड्राइविंग अच्छी खासी रहती है। सीएनजी का ऑप्शन मतलब कि बेटर माइलेज, जैसे कि अभी मैं अर्टिगा की बात करूँ सीएनजी मॉडल की, तो वहाँ पे आपको 26 km/kg का एवरेज मिलता है, वैसे ही आप यहाँ मान सकते हो। अगर आपको इस साइज की गाड़ी के अंदर सीएनजी का ऑप्शन मिल जाएगा तो फिर आपको यहाँ पे अच्छी एवरेज मिलने से कोई रोक नहीं सकता, और वैसे भी डीजल के चांसेस कम है, ये लोग पेट्रोल मॉडल ही लॉन्च करते आ रहे थे, पेट्रोल गाड़ियाँ आने की वजह से मारुति के कस्टमर्स कम हो गए। इस गाड़ी के लॉन्च होने के बाद सीएनजी ऑप्शन में मुझे लगता नहीं कोई रीज़न है कि आप लोग इस गाड़ी की तरफ नहीं जाओगे, बिकॉज मारुति का नाम अच्छा है, गाड़ी की सर्विस अच्छी होती है, पार्ट सस्ते हैं एंड आपको सीएनजी ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आप इसमें एक नीट एंड क्लीन गाड़ी चला पाओगे जो कि आपके एनवायरमेंट फ्रेंडली रहेगी एंड आपको बेटर माइलेज देगी। टॉकिंग अबाउट द इंजन, गाड़ी के अंदर सेम लाइक आपके हुंडई क्रेटा एंड आपके किया सेल्टोस, यहाँ पे आपको 1.4 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन एंड आपको साथ ही में एक 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। बेसिक मॉडल में आपको मिलेगा 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन एंड आपको हायर मॉडल में मिलने की उम्मीद है टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि रहेगा आपका 1.4 लीटर का। इसके अलावा क्योंकि गाड़ी कॉम्पिटिशन में आने वाली है सेल्टोस क्रेटा के, तो आप मान के चलो जितने भी फीचर्स हैं आपको सारे मिल जाएंगे, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल हो गया, ड्यूअल एयरबैग हो गया, वेंटिलेटेड सीट्स टॉप मॉडल में मिलने की उम्मीद है पहली बार मारुति की तरफ से इस सेगमेंट के अंदर। इसके अलावा आपको मिल जाएंगे इसके अंदर काफ़ी सारे प्लेंटी ऑफ फीचर्स लाइक 10 इंच का डिस्प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले वगैरह। अभी तक केवल गाड़ी के इमेजेस आपके जो हैं वो रेवल हो पाए हैं, बाकी कुछ अभी कंफर्म नहीं हुआ गाड़ी कब लॉन्च होगी, तो आप बहुत ज़्यादा उम्मीद मत बताओ। अगर आपका प्लान है एक मिड साइज एसयूवी लेने का तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करता इस गाड़ी का वेट करने के लिए, बट आपको ये पता होना ज़रूरी है कि गाड़ी मार्केट में आने वाली है, क्योंकि डेट कन्फर्म नहीं है तो इसका वेट मत करिए। एक बार लॉन्च होने वाली होगी या थोड़े से और अपडेट्स मिलेंगे आपको, मैं इस गाड़ी के बारे में और बेटर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता जाऊंगा। मैं था आप सभी का होस्ट आलोक सिंह। वो सारे फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, गाइस यार्ड से विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मेक श्योर टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन, बिकॉज अगर आपने नहीं किया आप डे टू डे बेसिस पे ऐसे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस करते जाते हो, एंड यू नेवर नो कब कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके काम आ जाए, एंड गाड़ियों के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी तो आपके फायदे में ही आएगी, नुकसान नहीं करेगी। अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।